हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो वैकेंसी डिस्कस करने जा रहे हैं ये टेक्नीशियन के लिए है। ये परमानेंट जॉब है फ्रेंड्स। इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन और भी बहुत सारी जो है ट्रेड की वैकेंसी रिलीज की गई है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही आसान है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको किसी और प्रोफाइल की जॉब चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, चाहे वो आईटीआई बेसिस पे हो या डिप्लोमा बेसिस पे हो या कोई भी ग्रेजुएट होल्डर, आप हमें बताएं, मैं डेफिनेटली आपको वैकेंसी ला के दूंगा। तो ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा रिलीज किया गया है, जहाँ की बेसिक सैलरी जो है एवरी मंथ सैलरी इनहैंड 28,000 रुपया प्लस अदर अलाउंसेस, जिसमें कि ग्रेचुटी मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए बोनस, राइट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। तो इसमें डिस्कस करते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या एप्लीकेशन फ़ी है, ईच एंड एवरीथिंग। सो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट जो है गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड मिलता रहे। सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो है यांत्रिक है ना, इसमें 30 जो है जनरल के लिए वैकेंसी है, और जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 है, एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 7 है, और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 5। जो रिजर्वेशन में आते हैं लाइक एक्स सर्विसमैन है या स्वतंत्रता सेनानी है, उनके लिए 3 वैकेंसी है। उसके बाद विद्युत के लिए 56 जनरल के लिए है और 16 जो है ओबीसी के लिए है, 24 एससी के लिए, इस तरह का यहाँ पे बाइफरकेशन दिया गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल वैकेंसी 5 ओबीसी के लिए, 5 एससी के लिए, 1 जो है एसटी के लिए, इकोनॉमिक कैस्टल के लिए 1। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले जो है वेतनमान 28,000 रुपया प्लस अदर अलाउंसेस आपको मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यांत्रिक के लिए जो है इसमें आप माध्यमिक परीक्षा जो है वो पास होने के बाद जो है फीटर में है ना, फीटर ट्रेड में जो है आपका आईटीआई होना चाहिए और डीओईसी ईएसीसी वर्तमान में जो है 80 घंटे का कंप्यूटर कोर्सेस होता है, वो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, राइट। अगर फीटर का नहीं है तो, अगर फीटर का है तो ये सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फीटर से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फिर जो है आपका इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल से आईटीआई चाहिए, राइट फ्रेंड्स। और थर्ड जो है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक या इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों किसी एक में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है, आपका माध्यमिक परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल से पास होना कंपलसरी है। तो मतलब अदर स्टेट वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए ई एजुकेशन का, जहाँ की बहुत सारी वैकेंसी अवेलेबल है, वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। या आप हमें कमेंट कीजिए आपको किस प्रोफाइल का, कहाँ से हो, किस तरह का जॉब चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपको वैकेंसी ला के दूंगा। मैं लाइक पैन इंडिया में बहुत सारी वैकेंसी आती है बट मैं सभी को कैप्चर नहीं कर सकता। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है जिस भी एरिया में, आप हमें ज़रूर लिखें, राइट फ्रेंड्स। सो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आपका एज जो है 18 से 40 दिया गया है, जिसमें एस सी एस टी को 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल के लिए 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, और जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, 826 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, राइट। ये चीज़ें हैं। उसके अलावा चयन प्रक्रिया जो है इसमें 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एमसीक्यूस टाइप क्वेश्चंस होंगे, निगेटिव मार्किंग होगा, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगा उसे 1.5 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा शॉर्टलिस्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें कि एमसीक्यूस टाइप सारे क्वेश्चंस होंगे, तो 150 मार्क्स का टेक्निकल क्वेश्चन होगा, लाइक फीटर से होगा, इलेक्ट्रिकल से होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन से होगा, सभी के लिए अलग अलग, राइट। उसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें कि जनरल हिंदी होगा, जनरल नॉलेज होगा, रीजनिंग होगा। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का ये मैं क्लास
बहुत सारा लिया हुआ हूँ, डेली मैं अपडेट भी डालता हूँ, यूट्यूब पे स्टेटस भी डालता हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कर पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। 25% नेगेटिव मार्किंग है। लास्ट डेट है 5 अगस्त अप्लाई करने का। 12 जुलाई से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे और 8 अगस्त तक आप जो है एप्लीकेशन फी एंड लास्ट सबमिट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, गुड लक फॉर योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड जितना पॉसिबल हो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और सुन सकें। राइट, सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।